एक महिला पर आया डायन का साया और पड़ोसी ने उस महिला के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए बीच चौराहे पर। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार, तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये प्रोग्राम तिरछी बात पलवल चैनल पर लेकर आए हैं जो कि हमारा नया चैनल है। हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे वीडियोज़ को देखिएगा ज़रूर और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों यह घटना है बिहार के कटिहार ज़िले की। बिहार के कटिहार ज़िले में एक ऊष्मा देवी नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 45 साल। वह अपने घर में अपने पति, पति का नाम सूरज होता है, और अपने बेटे और बेटे की बहू के साथ आराम से घर में रहा करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, सभी लोग आपस में मिलजुल कर आराम से रह रहे थे। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, दोस्तों एक दिन जो ऊष्मा देवी है वह अपने घर से बाहर निकलती है, और जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है तो सामने से उसका पड़ोसी जिसका नाम है संजू, वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। लेकिन ऊष्मा देवी को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि आखिर यह संजू जा कहाँ रहा है या किसके पास भाग कर जा रहा है। ऊष्मा देवी उसकी तरफ देखती रहती है और घर से बाहर गली में खड़ी रहती है। जैसे संजू नज़दीक आता है तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी को ऊपर उठाता है और ऊष्मा देवी के ऊपर प्रहार करने लगता है। ऊष्मा देवी चिल्लाती है और कहती है, मुझे क्यों मार रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया। लेकिन दोस्तों संजू जो पड़ोसी होता है वो ऊष्मा देवी के ऊपर कुल्हाड़ी से बार बार वार किए जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आज मैंने डायन को मार दिया, आज मैंने डायन को ख़त्म कर दिया। मोहल्ले वालों को सुना सुना कर ये बात कह रहा था। दोस्तों देखते ही देखते वह ऊष्मा देवी के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है और ऊष्मा देवी जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है मौके पर और उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर उससे पूछती है संजू से कि तूने इस औरत को क्यों मारा। दोस्तों संजू का जब जवाब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। संजू कहता है कि ये जो ऊष्मा देवी थी इसके ऊपर डायन का साया था, यह गली में सिंदूर फेंका करती थी और जादू टोना किया करती थी, इसके ऊपर डायन का साया था और पिछले कई दिनों से मेरा बेटा बीमार चल रहा है, वह इसी की वजह से बीमार चल रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया कि उस डायन को मारना ही होगा तभी मेरा बेटा बच पाएगा, इसलिए मैंने उस डायन को मार दिया जिससे कि और लोग भी अब बच पाएंगे। तो दोस्तों इस जवाब को सुनकर पुलिस बड़ी हैरान होती है और मेरे हिसाब से तो आप भी हैरान हुए होंगे इस जवाब को सुनकर। तो आपको क्या लगता है, क्या संजू ने सही किया था? क्योंकि संजू का कहना यह था कि जो ऊष्मा देवी है वो इधर उधर जादू टोना करती हुई घूमा करती थी, किसी के दरवाजे पर नींबू फेंका, किसी की गली में सिंदूर फेंका, किसी की छत पर कुछ फेंका, किसी की छत पर कुछ फेंका, इस तरह का काम वो किया करती थी। दोस्तों ऊष्मा देवी के पति का और उसके बेटे और बहू का रो रो कर बहुत बुरा हाल है और संजू ने जो काम करना था वो उसने कर दिया। आपको क्या लगता है, यहाँ पे संजू ने सही किया या गलत किया, या ऊष्मा देवी गलत किया करती थी, या फिर यहाँ पे आपको किसकी गलती लगती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों हमारे चैनल तिरछी बात पलवल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसका फेसबुक पर भी पेज है और यूट्यूब पर चैनल भी है, तो इसको भी आगे बढ़ाएं, इस पर भी हम ऐसी ही जोरदार खबरों को लेकर आपके समक्ष आया करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।